जंग को जीतने के लिए घातक हथियारों का होना जरूरी है। जंग में जिस पक्ष के पास घातक हथियार होते हैं जंग को एक तरफा जीतने की संभावना अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे घातक हथियार जो जंग में गेम चेंजर के काम करते हैं। नंबर 1, लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का सुपरसोनिक यानी कि आवाज की गति से तेज चलने वाली लड़ाकू विमान है। इसको ऑपरेट करने के लिए 2 इंजन की आवश्यकता होती है। यह विमान जमीन पर दुश्मनों के ठिकाने को आसानी से तहस नहस कर सकता है। इस विमान का उपयोग खास तौर से युद्ध में सामग्री ढोने के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्टर के रूप में किया जाता है। इस रैप्टर की खास बात यह भी है कि यह इलेक्ट्रॉनिक हमले करने में भी सक्षम है। लॉकहीड मार्टिन किसी भी मौसम में वार करने में सक्षम है। यह लड़ाकू विमान अमेरिका के वायु सेना के बेड़े में शामिल है। नए अपडेट के हिसाब से जल्द ही इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा जो लंबे रेंज वाले रडार की सहायता से दुश्मनों के दूर के ठिकाने को लक्ष्य बनाने और उन पे बमबारी करने में मददगार होगा। नंबर 2, K2 ब्लैक पैंथर। K2 ब्लैक पैंथर ये दुनिया का सबसे घातक टैंक है जो साउथ कोरिया के पास है। इस टैंक की खास बात यह है, दक्षिण कोरिया के होम प्रोडक्शन टैंक को कार बनाने वाली कंपनी हुंडई ने तैयार किया है। इसमें लगे ऑटोमेटिक गन 1 मिनट के अंदर 10 गोले दाग सकती है। वहीं इसके खास एक्टिव और पैसिव टेक्निक के जरिए दुश्मनों को तरफ से किए जा रहे हमले की जानकारी हासिल की जा सकती है। यह टैंक दिन और रात में दुश्मनों की टैंक मिसाइलों और रॉकेट के हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। नंबर 3, बोइंग AF-60 अपाचे। यह दुनिया के सबसे घातक हमलावर हेलीकॉप्टर बोइंग AH-64D अपाचे टॉप पर है। यह हेलीकॉप्टर इलेक्ट्रॉनिक हमले करने के साथ साथ आग पर काबू पाने में भी सक्षम है। एंटी आर्मर वेपन सिस्टम पर आधारित यह हेलीकॉप्टर दिन और रात में खराब मौसम में भी हमला कर सकता है। यही नहीं, इस हेलीकॉप्टर में हेली फायर मिसाइलों और एरियल रॉकेट को लोड किया जा सकता है। इसकी ऑटोमेटिक कैनल एक बार में 30 mm के 12 राउंड फायर कर सकती है। फिलहाल यह अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना का हिस्सा है। नंबर 4, XM-307 ACSW। यह दुनिया के सबसे घातक मशीन गन में से एक है। इसे किसी भी 4 पहिए वाहन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक प्रकार की दुनाला मशीन गन है जो हेलीकॉप्टरों तक को निशाना बना सकता है। इसके अलावा यह पानी में भी मार सकता है। इस मशीन गन से 1 मिनट में 360 राउंड फायर किया जा सकता है। नंबर 5, टेरिनिस। टेरिनिस एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, हालांकि ये अभी अंडरगोइंग प्रोजेक्ट है। ब्रिटेन इसे तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड इतनी है कि किसी भी रडार को इसकी भनक भी नहीं लगेगा। इस एयरक्राफ्ट का उपयोग हथियारों को लाने और ले जाने में किया जाएगा। इसके साथ साथ इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 2030 तक इसे ब्रिटेन की सेना में शामिल होने की संभावना है। नंबर 6, एसॉल्ट राइफल F-2000। एसॉल्ट राइफल दुनिया की सबसे घातक बंदूकों में मानी जाती है। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। पहली दफा इसे साल 2001 में अबू धाबी में पेश किया गया था। यह 500 मीटर की दूरी तक 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकता है। यही नहीं, इसमें 40 mm के हल्के वजन का ग्रेनेड लॉन्चर भी है। नंबर 7, नेपालम बम। नेपालम बम आग लगाने वाला सबसे घातक बम है। इसमें बारूद के साथ साथ पेट्रोलियम जेली का भी इस्तेमाल किया गया है। ये बम इस्तेमाल में लाए जाने पर एक बार में 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़ा सकता है। इसे वियतनाम के युद्ध में आग लगाने वाले बम के तौर पर तैयार किया गया था। बाद में इसकी क्षमता बढ़ाने और जहरीला बनाने के लिए इसमें मैग्नीशियम और लेड का भी इस्तेमाल किया गया। नंबर 8, DSR-15 स्नाइपर राइफल। निशाना लगाने वाले राइफलों में यह स्नाइपर सबसे घातक है। यह हल्के वजन वाला राइफल है जिस वजह से इसको चलाने में झटके नहीं लगते हैं। इसमें फ्री फ्लोटिंग बैरल तकनीक का प्रयोग किया गया है जिससे एकदम सटीक निशाना लगाया जा सकता है। नंबर 9, लॉकहीड AC-130 स्पेक्टर गनशिप। अमेरिका के यह गनशिप एक बार में 2 लक्ष्यों पर वार कर सकता है। यह उच्च नेविगेशन प्रणाली, संवेदनशील सेंसर और फायर कंट्रोल सिस्टम पर आधारित है। इसको खराब मौसम में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसे युद्धक हथियारों और गोले बारूदों को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई युद्धों के दौरान स्पेक्टर ने अपनी अहमियत जताई है। नंबर 10, M249। दुनिया में कई तरह के मशीन गन है जिनमें से सबसे हल्के वजन की उच्च मारक क्षमता वाली मशीन गन है। यह मशीन गन एक बार में 1,40,000 राउंड वाली बैरल खाली कर सकती है। वीडियो नॉलेज में लगी तो लाइक से सब्सक्राइब।